सहारा प्रॉपर्टी 50 यूट्यूब चैनल। साथियों, आपको हम बहुत सारी प्रॉपर्टियां, मकान, दुकान, ज़मीन, खेती की, फैक्ट्री लगाने की और कोई बड़ा प्रोग्राम करने के, मतलब कि मैंने भी दिखाते हैं और छोटे बड़े प्लॉट भी दिखाते हैं, 100 बीघा, 100 गज, 200 गज, 500 गज वाले भी मकान भी दिखाते हैं। इसी तरह का बहुत सारा हम लोग, मैं जो हूँ वीडियो बनाता हूँ और मेरा सारा प्रॉपर्टी 50 है यूट्यूब चैनल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिए और तमाम चीज़ों को देखने का मज़ा लीजिए। हो सकता है आपकी ज़रूरत की चीज़ इसमें मिल जाए, हो सकता है आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। दोस्तों भी कोई बताइए, अपने आप को भी कीजिए। और इस वक्त मैं हरेवली टू नगीना, जैसे 4 किलोमीटर पर हरेवली है, उसके बाद में शेरकोट है और फिर धामपुर चले जाते हैं, या शेरकोट से आप अमानगढ़ वगैरह की तरफ या इधर जा सकते हैं, मतलब नैनीताल वगैरह की रोड 4 लेन मिल जाती है। और यही रोड हमारी इधर ये नगीना जाती है, और नगीना में, नगीना यहाँ से लगभग 12-14 किलोमीटर है, पक्का रोड है, चौड़ा रोड है। और मैं आपको एक 50 बीघा ज़मीन है जो मैं इस पर, ये रोड है जा रहा है, 700-800 मीटर की दूरी पर है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा। छोड़ा, ये कच्चा है तो चक रोड ये, लेकिन ट्रक वगैरह गाड़ी वाड़ी खूब आती जाती है, आप इसको देखें, मैं दिखाता हूँ। ओके, थैंक यू। मैं मास्टर सराफत हुसैन, 97-56-28-67-51। ये रोड अब बहुत ज़्यादा चल रही है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शहर नगीना, हरेवली डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। इंडिया की बात कर रहे हैं भैया। साथियों, देखो गाड़ियों के पीछे, देखिए कंटिन्यू गाड़ियाँ, मास्टर साहब। अब आपको जमीन दिखाता हूँ मैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सहारा प्रॉपर्टी 50 यूट्यूब चैनल। मैं मास्टर सराफत हुसैन, 97-56-28-67-51। साथियों, मैं अपने इस चैनल पर प्रॉपर्टी से ही संबंधित 99% कोशिश तो मेरे 100% की रहती है कि 99% मैं इस पर प्रॉपर्टी से संबंधित वीडियो डालता हूँ। और इसमें 440 से ज़्यादा वीडियो पड़ी है, और इस वक्त आप उन वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको, मतलब कि बहुत सारी वीडियो लगेंगे कि आपके काम की है। मैं ये कहता हूँ कि आप भी, अगर आपके आसपास में कोई प्रॉपर्टी, कोई व्यक्ति वीडियो बनवाना चाहे और मुझसे मिलना चाहे, बात कर, वीडियो बना के भेजिए, मैं डाल दूँगा, मुझसे बात कर ले पहले। ओके भाई, ये चीज़ नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है और नया तरीका, नया सिस्टम, हमने भी उसे अपनाया यूट्यूब के माध्यम से और चैनल के माध्यम से, तमाम लोगों की हम सेवा में लगे हैं। आप भी इस चीज़ को, पहले इसमें बहुत सारे पेड़ लगे थे, बहुत सारे पेड़ों को उखाड़ के, उनकी जड़ों को हटा के अब ज़मीन को एकसार किया जा रहा है। देखिए इसको, देखिए, जो आदमी लेना चाहे, पसंद करे, आए, सस्ती ज़मीन है। देखिए, अब मैं भैया जी एक हैं यहाँ पर, उनसे पूछूँ, भैया यहाँ आने के लिए, ये इनायतपुर कितनी दूर है इससे? यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ेगा, मतलब रास्ते से 100-150 मीटर। हाँ हाँ हाँ, इस रास्ते को पक्की रोड पे से 100-150 मीटर। हाँ, 100। हाँ, अब यहाँ पहुँचे तो कैसे, अब आप बताइए। अब ये आप नगीने से आओगे, नगीने से आओगे तो ये बाईं साइड पर पड़ेगा, इनायतपुर पार करके करीबन 150 मीटर के लपेट में, 150-200 मीटर के बाईं साइड में को जो है रास्ता गया हुआ, सीधा इसी ज़मीन पर आएगा। अरे हरेवली से आना चाहते हो आप लोग,
तो हरेवली से जो है 4 किलोमीटर आगे चलने के बाद एक बंद पड़ता है, बंद थोड़ा सा एक पार करके और दाहिनी साइड में जो है रास्ता वो सीधा ही जमीन पे आता है, जमीन पे आता है। यानी कि धामपुर से चले आप शेरकोट, शेरकोट से आए हरेवली, हरेवली से इनायतपुर के लिए नगीने वाली रोड पर आ रहे हैं, और इनायतपुर से पहले पहले आप इस रोड पर राइट पर आ गए और यह पहुँच जाएंगे। और ये रास्ता लगभग 800 मीटर 900 मीटर ही है, 1 किलोमीटर से कम है, ये कच्चा रास्ता है, बाकी तो पक्का है वहाँ से वहाँ तक। नरेगा का रास्ता है, हाँ नरेगा का रास्ता बढ़िया रास्ता है, कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई सा वाहन भी ला सकते हो, 4 पहियों के भी आते जाते हैं जी। बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम बरसात में आ जाती है कभी कभार, नहीं वरना ऐसा कुछ नहीं। बरसात में तो भाई हर जगह दिक्कत आती है, आ जाती है। हाँ ये पक्का तो है नहीं, पक्का जब हो जाए तो बरसात में भी आ जाओ, है नहीं, वाहन तो बरसात में भी आ जाएगा। ये टू व्हीलर या छोटी गाड़ियाँ जो होती हैं उनके लिए दिक्कत आती है, बाकी अपना काम करने के लिए आदमी करता ही है। किसी भी टाइम आ जाओ। हो रही खेती यहाँ पर, हो रही बढ़िया, बढ़िया खेती हो रही है, और आइए इसमें अपनी मर्जी से जो आप लिए है। मेरा मोबाइल नंबर है 97-56-28-67-51, मैं आपकी सेवा में लगा हूँ, और आप भी इसको आगे देखिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। देखिए ये कितनी बढ़िया हो रही है, और इधर ये गन्ना सरसों वगैरह ये बढ़िया। ट्वेल्व भी करीब में है, बिजली का ट्वेल्व, हाँ देखिए बिजली का ट्वेल्व बिल्कुल पास में है, बिजली आई हुई यहाँ तक। हाँ इस ज़मीन में एक ख़ास बात और है भाई साथियों, वो ये कि इसके अंदर बीच में कोई बिजली का तार नहीं है, एक्स्ट्रा तार जाते हैं हाई वोल्टेज वाले, वो नहीं है इसके अंदर, है ना। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ लाना चाहें तो अलग बात है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। ओके 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 ओके, थैंक यू, थैंक यू।